जी हाँ, सीबीएसई स्टूडेंट्स का जो सिलेबस है उनको लेकर बहुत टेंशन थी कि हमारा सिलेबस इस कोरोना की वजह से काफी डिस्टरबेंस हो रहा है, हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को जो सिलेबस है वो कम करना चाहिए। तो ये सारे जो टेंशन थी उसके लिए आज मैं आपको वीडियो लेके आई हूँ। आपके लिए खुशखबरी है कि जो सीबीएसई बोर्ड है उन्होंने आपके सिलेबस को 30% रिमूव कर दिया है, इट मीन्स रिड्यूस कर दिया है। अब कुछ टॉपिक एक्चुअली रिड्यूस नहीं बोलेंगे, रेशनलाइज कर दिया है, इट मीन्स कुछ टॉपिक्स होंगे चैप्टर्स के जो आपको रिमूव कर दिए, जो आपके लिए एसेंशियल नहीं थे या फिर ओवरलैपिंग टॉपिक थे जो इतने नीड नहीं करते थे आपके लिए, वो टॉपिक जो है रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो अब मैं बात करूंगी कि क्लास 12 के बायोलॉजी सब्जेक्ट, जैसे कि मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, तो बायोलॉजी सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके रिड्यूस हुए हैं, इट मीन्स रेशनलाइज्ड हुए हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जिसे लिंक को आप ओपन करके देख सकते हैं कि बायोलॉजी में कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो रिड्यूस हुए हैं। मैं आपको शो करती हूँ लिंक ओपन। तो स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक दे रखी है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का पेज ओपन होगा। ये मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पर शो कर रही हूँ। अभी मुझे 12th क्लास का बायोलॉजी का अगर मैं आपको बताऊँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो डिडक्ट हुए हैं, तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे रिवाइज सीनियर सेकेंडरी करिकुलम 11th 12th वाले ऑप्शन पे। देन हम क्लिक करेंगे करिकुलम डिडक्शन डिटेल्स डिलीट प्रमोशन पोर्शन वाला, इस पर हमने क्लिक करा। इस पर हमें शो हो रहा है देखो डिलीटेड बायोलॉजी वाला। तो सबसे पहले मैं बायोलॉजी पे क्लिक करूँगी कि बायोलॉजी में कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो आपके डिडक्ट हो चुके हैं। ये 11th क्लास का है। इसमें नीचे जब हम जाएंगे तो 12th क्लास का हमें पीडीएफ ओपन होगी। 12th क्लास के अंदर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले यूनिट जो 6th आपके रिप्रोडक्शन है, अगर 12th क्लास के बेसिस पे बात करूँ तो यूनिट 1st आपकी रिप्रोडक्शन है, उसके चैप्टर 1st में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जैसे आपको कुछ टॉपिक शो हो रहे हैं ये रिड्यूस हो चुके हैं यानी रैशनलाइज हो चुके हैं। अब आपको एग्ज़ाम में ये टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक आएगा रिप्रोडक्शन अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर कंटिन्यूशन ऑफ स्पीशीज़, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ना, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ना, बाइनरी फ्यूजन स्पोरुलेशन बर्डिंग्स, ये टॉपिक्स जो हैं आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद में आएगा अपना यूनिट 7, डायरेक्ट यूनिट 7th में से जो है आपके रिड्यूस हुए टॉपिक्स। इसके अंदर चैप्टर 7 इवोल्यूशन है, इसमें से ऑरिजिन ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड एविडेंस फॉर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, पैलियोटोलॉजी, कंपैरेटिवली एनाटॉमी, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके रिड्यूस हुए हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। देन नेक्स्ट आएगा चैप्टर 9 में से आपका रिड्यूस हुआ है स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसके अंदर से एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन, ये जो टॉपिक है वो रिड्यूस हुआ है। यूनिट 10th में से इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में से चैप्टर 14 इकोसिस्टम, इकोसिस्टम पैटर्न्स, कंपोनेंट्स, एनर्जी, न्यूट्रिएंट साइकिल्स, ये कुछ साइकिल्स हैं जो आपके रिड्यूस हुए हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सर्वेस, कार्बन फिक्सेशन, पॉलिनेशन, ये टॉपिक जो हैं आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं रिड्यूस हो चुके हैं। चैप्टर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज, इसके अंदर एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, काफ़ी मेजर टॉपिक्स हैं जो आपके रिड्यूस हो चुके हैं। सो इन टॉपिक को आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इनके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करना है आपके 2020 और 21 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर ये आपको पीडीएफ ओपन करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे जरूर क्लिक कीजिए। आई होप आपको सारे टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे कि ये वाले टॉपिक्स अब हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं, हमें स्टडी करनी है ऑनली ऑल, और कोई डिप्रेशन में नहीं जाना, कोई टेंशन में नहीं जाना कि हमारा सिलेबस कैसे होगा, कैसे हमारी स्टडी होगी, पैंडेमिक कंडीशन जो चल रही है वो कब तक चलेगी, इसका आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी, आई नो काफ़ी स्टूडेंट्स के पास में प्रॉब्लम होगी कि हमारे पास में नोट्स अवेलेबल नहीं है, हमारे पास में बुक्स नहीं है, हम टीचर्स नहीं है कि टीचर हमें पढ़ाए। तो मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगी, घर से स्टडी जो है आपको नोट्स अवेलेबल करवाती है और बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको नोट्स अवेलेबल करवा रही है। तो अगर आपके पास में ये प्रॉब्लम है कि हमें नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं तो प्लीज़ हमें कॉन्टेक्ट ज़रूर कीजिए और हमारी ऑनलाइन लेक्चर्स को ज़रूर देखिए जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे।
क्योंकि अभी जो 2020 और 2021 वाला सेशन है उसमें जो 50% क्वेश्चंस आएंगे वो इस बार एमसीक्यू से आएंगे। इट मीन्स एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपके हर एक कंसेप्ट जो है क्लियर होने चाहिए। तो कंसेप्ट क्लियर तब होंगे तब आप वीडियोस को देखोगे, हर एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी, उसको अगर आप देखेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और फाइनल एग्जाम में आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। सो प्लीज़ वीडियोस को ज़रूर देखिए, और आपने अभी तक हमारे वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखिए और उन वीडियोस को देखकर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम लोग किस टाइप से आपको कंसेप्ट क्लियर करवा रहे हैं। अगर आपको नोट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो हम लोग आपको सैम्पल PDF अवेलेबल करवाएंगे। अगर आपको सैम्पल पसंद आता है तो आप आगे कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आप लोगों को PDF के फॉर्म में या फिर हार्ड कॉपी के फॉर्म में नोट्स जो है आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई कीजिए। आप पैंडेमिक कंडीशंस की वजह से आप अपने आप को डिप्रेशन में बिल्कुल मत डालिए, टेंशन में मत दीजिए, सिर्फ मेहनत कीजिए। वो कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो बस मेहनत करते जाइए और अपने स्टडी पे फोकस कीजिए। आई प्रॉमिस आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, लेकिन आप बस ऑनेस्टी के साथ में पढ़ाई करते जाइए, स्टडी कीजिए, ऑनलाइन लेक्चर्स देखिए, नोट्स देखिए, बुक्स पढ़िए, बस आप कंसंट्रेट कीजिए। आप पैंडेमिक कंडीशंस की वजह से उन पर फोकस मत कीजिए कि हमारी कोचिंग कब स्टार्ट होगी, हमारे स्कूल्स कब स्टार्ट होंगे, हमारे टीचर से इंटरेक्शन कब होगा, उसका कुछ कंफर्म नहीं है। जब तक कभी गवर्नमेंट की कोई